हे भगवान, यदि नीति हो तो इसी लोक में हो और यदि न्याय हो तो इसी संसार में हो। बहुत झेल लिया संगीत का सत्यानाश भाई, अब और नहीं रहा जाता। हम संगीत प्रेमियों को तनिक संगीत चाहिए, कान फोड़ू तरकश बवासीर नहीं। क्षमा करे, परंतु यदि गीतों में आत्मा होती और वे मानव होते तो नेहा कक्कड़, तनिष्क बागची, बादशाह टोनी कक्कड़ जैसे दुरात्माओं पर कुकर्म के असंख्य मुकदमे ठोके जाते और इनके दंड तय करने में स्वयं देवताओं की राय मांगनी पड़ती। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको बताऊंगा कि कैसे फाल्गुनी पाठक ने नेहा कक्कड़ जैसे खटमल को मसल कर रख दिया है और कैसे ये एक सूचक है उन कलाकारों के लिए जो लोकलाज के भय से अपने कला की हत्या पर मौन धारण करने को विवश थे। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में मैंने पायल है छनकाई का रीमेक संस्करण सामने आया, जिसमें एक बार फिर नेहा कक्कड़ ने संगीत विद्या का निर्ममता से चीर हरण कर रही थी। नेहा कक्कड़ ने 19 सितंबर को अपना नया गाना ओ सजना रिलीज किया। इसमें उनके साथ क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की वाइफ धनश्री वर्मा और टीवी एक्टर प्रियांक शर्मा को कास्ट किया गया। म्यूजिक तनिष्क बागची का है, मतलब एक तोर करेला दूजा नीम चढ़ा। अब कलयुग में मानो दुशासन ने इस व्यक्ति का रूप धारण कर लिया था, परंतु धैर्य की भी एक सीमा होती है। जनता ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया और नेहा कक्कड़ को इस निर्लज्जता के लिए जमकर खरी खोटी सुनाई। और इस बार उनका साथ देने कोई और नहीं, स्वयं फाल्गुनी पाठक सामने आई। भाई, आज भी जिनके गीत देश भर के नवरात्रि उत्सव या किसी भी सांस्कृतिक पर्व में चार चांद लगा दे और 90 के युवाओं के लिए जिनके गीत अमृत धारा से कम ना हो, उनके गीत के साथ छेड़छाड़ करोगे तो महोदय आरती तो नहीं उतारेंगी ना। वही किया फाल्गुनी पाठक ने। जन विरोध के असंख्य उदाहरणों को उनके अपने सोशल अकाउंट पर शेयर करते हुए फाल्गुनी पाठक ने बताया कि कुछ भी कीजिए, परंतु संगीत का ऐसा विनाश स्वीकार्य नहीं होगा। उदाहरण के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें नेहा कक्कड़ को उनके गाने के लिए कोसा गया है और फाल्गुनी की तारीफ हुई है। इस पोस्ट में लिखा है, नेहा कक्कड़ तुम कितना नीचे जा सकती हो, हमारे लिए हमारे पुराने क्लासिक्स को बर्बाद करना बंद करो। अब हॉकी में थप्पड़ शट ऐसे ही नाम थोड़ी ना दिया गया है। परंतु ये तो कुछ भी नहीं है, बेशर्मी की पराकाष्ठा पार करते हुए नेहा कक्कड़ ने एक इंस्टाग्राम शॉट में डाला, कुछ लोग हमारे सक्सेस से जलते हैं, जला करें। नेहा कक्कड़ जानती है कि उनकी सक्सेस क्या होती है। भाई, ऐसे लोगों के लिए ना एक ही डायलॉग याद आता है, बाबू भैया ये तो कुछ भी नहीं है। स्मरण है याद पिया की? हाँ, वही गीत जिस पर ना जाने कितने टिकटॉकियों का करियर फला फूला था। यह भी फाल्गुनी पाठक की ही एक करण प्रिय धुन थी, जिसका पंचनामा किया तनिष्क बागची और नेहा कक्कड़ की घातक जोड़ी ने और तड़का लगाया दिव्या खोसला कुमार के ऑस्कर विनिंग एक्सप्रेशंस ने। वैसे इससे याद आया, सत्यमेव जयते 2 के कलेक्शन कितने थे बंधुअर, बताना जरा। अब जो लड़ाई फाल्गुनी पाठक ने प्रारंभ की है, उसे बाकी गीतकारों और कलाकारों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। वो कैसे? लूडो देखी है? अरे वही नेटफ्लिक्स वाली फिल्म, जिसमें एक पुराने गीत को दर्शकों ने इतना सराहा कि आज वह वर्षों बाद पुनः वायरल हो गया और आज कई लोगों के लिए वह उनका कॉलर ट्यून बन गया है। किसे पता था कि वर्ष 1951 में भगवान दादा की फिल्म अलबेला में आए गीत ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, पुनः सबका प्रिय गीत बन जाएगा। ठीक इसी तरह कभी प्यासा का चर्चित गीत जाने क्या तूने कही, अब आर बाल्की की फिल्म चुप की कृपा से पुनः लोकप्रिय बन रही है। तो फिर समस्या कहां बन रही है और नेहा कक्कड़ जैसों से क्या दिक्कत है? एक समय होता था जब भारत में सच कह रहा है दिल दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना जैसे गीत भी लिखे जाते थे। कहते हैं कि गीतकार समीर अंजान को ऐसे कर्णप्रिय बोल लिखने के लिए केवल एक दिन का समय मिला था, लेकिन उन्होंने तमिल फिल्म मिनाले के हिंदी रीमेक
रहना है तेरे दिल में के लिए ऐसे गीत लिखे कि आज भी लोग उसे गुनगुनाने पर विवश हैं। अब रूप कुमार राठौर जैसे धीर गंभीर गजल श्रेणी के गायक से भी यदि कोई दिल को तुमसे प्यार हुआ जैसा सुरीला मिश्री जैसा प्रेम रस ओतप्रोत गीत कोई गवा सकता है तो वो समीर अनजान ही है। आप इससे ही समझ जाइए कि उस समय का भारतीय संगीत कैसा हुआ करता था। लेकिन वो एक युग था और आज एक अलग युग है। आज सच कह रहा है दीवाना नहीं कांटा लगा और गेंदा फूल जैसे गीतों का बोलबाला है। और जिस तरह रहना है तेरे दिल में जैसे मधुर गीतों से परिपूर्ण फिल्म को 20 वर्ष से अधिक हो रहे हो ये ह्रास किसी आपदा से कम नहीं है। जब विजू शाह जैसे संगीतकार पाश्चात्य संगीत से धुन टीप कर गुप्त जैसे साउंडट्रैक निकाल सकते थे तो आप समझ जाइए कि उस समय का संगीत का स्तर हमारा कैसा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 20 वर्ष पहले जो भारतीय संगीत उद्योग रहना है तेरे दिल में से लेकर डूबा डूबा रहता हूं अब मुझे रात दिन जैसे मधुर संगीत देता रहता था वो अब रीमिक्स पर रीमिक्स कैसे निकाल रहा है। जिस उद्योग से दिल को तुमसे प्यार हुआ देखा है ऐसे भी तेरा मेरा प्यार जैसे गीत निकलते थे अब इनकी जगह गेंदा फूल बचपन का प्यार कांटा लगा जैसे गीतों ने कैसे ले ली जिनमें मधुरता तो छोड़िए संगीत का भी नाम मात्र नहीं है। कारण एक ही है व्यवसायीकरण जिस पर पहले संगीतज्ञों और कलाकारों का कोई नियंत्रण नहीं था और वे लोकलाज के भय से अपनी अधिकारों पर बात करने से भी हिचकते थे। परंतु एक समय ऐसा भी था जब भारतीय संगीत में रचनात्मकता अपने शिखर पर था। 21वीं सदी के प्रारंभ में लगान गदर जैसी फिल्में भी रिलीज हुई जो न केवल अपनी कथाओं के लिए बेहद चर्चा में रही अपितु अपने मधुर संगीत के लिए भी महीनों तक चैनल वी के ब्लॉकबस्टर लिस्ट में ट्रेंड करती रही। परंतु ये रचनात्मकता यहीं तक सीमित नहीं थी। 2001 के समय स्वतंत्र गीत जिसे इंडी पॉप म्यूजिक भी कहा जाता है अपने चरमोत्कर्ष पर था। ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जो उस समय लकी अली कॉलोनियल कजिन्स अलीशा चिनॉय के संगीत पर थिरका ना हो। जैसे जैसे समय बढ़ता गया संगीत का दायरा भी बढ़ता गया। ऐसा नहीं है कि रीमिक्स तब नहीं बनते थे परंतु तब रीमिक्स में भी संगीत लोगों को थिरकने पर विवश करता था आज की भांति लोगों को कानों से खून निकलवाने पर विवश नहीं करता था। फिर आया 2007 से 2012 का समय जब संगीत का मानो अकाल सा पड़ गया। फिल्मी संगीत तो थोड़ा बहुत लोगों को रिझा रहा था परंतु उनमें पहले जैसा दम नहीं था। अगर मिठू शर्मा के संगीत को छोड़ दे तब भी फिल्मी संगीत लगभग उसी मुहाने पर था जहां पर आज है। अंतर बस इतना था कि तब रीमिक्स और कबाड़ म्यूजिक की उतनी बाढ़ नहीं थी जितनी आज है। फिर आया वर्ष 2011 जब भारतीय संगीत का पुनरुत्थान शुरू हुआ। पंजाबी पॉप में हिरदेश सिंह उर्फ योयो हनी सिंह अपनी सुप्रसिद्ध एल्बम इंटरनेशनल विलेजर लेकर आए। इस एल्बम ने एक ही रात में भारतीय संगीत उद्योग का काया पलट कर दिया और एक के बाद एक पॉप और रैप म्यूजिक की बाढ़ सी आ गई। अगले ही वर्ष स्टूडेंट ऑफ द ईयर में करण जौहर ने प्रसिद्ध गीत डिस्को दीवाने का रीमेक किया। ये रीमेक अपने आप में मूल गीत के साथ किया गया एक भद्दा खिलवाड़ था और कहीं ना कहीं इसी ने भारतीय संगीत के पतन की नींव रखी। इस पर भी TFI ने कुछ समय पूर्व एक लेख लिखा था जहां हमने बताया था करण जौहर ने अपने दोयम दर्जे की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में डिस्को दीवाने का एक घटिया रीमेक बनाया और तब से आज तक अपने कर्ण प्रिय गीतों से लोगों को थिरकने पर विवश करने वाला बॉलीवुड आज कॉपी पेस्ट की दुकान बन चुका है जिसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ करण जौहर को ही जाता है। लेकिन ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका अपितु हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया कपूर एंड सन्स बार बार देखो ओके जानू बद्रीनाथ की दुल्हनिया इत्यादि से इन्होंने बॉलीवुड के संगीत में रचनात्मकता को खत्म करने की नींव डाली थी। अब आप कहेंगे क्यों करण जौहर को बलि का बकरा बनाते रहते हो परंतु जैसे टीवी के सत्यानाश में एकता कपूर ने भरपूर योगदान दिया है वैसे ही फिल्मों और संगीत को अप्रिय और अझेल बनाने में करण जौहर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रसिद्ध हॉलीवुड मूवी शिंडलर्स लिस्ट में एक बहुत ही गहरा संवाद कहा गया था जब मैं कोई काम करता हूं तो मैं चाहता हूं कि उसकी एक पहचान हो एक चमक हो इसमें मैं योग्य हूं काम करने में नहीं बल्कि उसे सजाकर पेश करने में। करण जौहर इसी संवाद के जीते जागते स्वरूप है।
वो ऐसे व्यक्ति है जो कूड़े अथवा मल को भी सोने की तश्तरी में ऐसे सजाकर पेश करेंगे कि आप उसे चखने तक कर विवश हो जाएंगे। और इस बात को जनाब ने कुछ अधिक गंभीरता से ले लिया है। विश्वास नहीं हो तो ब्रह्मास्त्र को ही देख लीजिए। इसके अतिरिक्त भाई भतीजावाद या वंशवाद बॉलीवुड के लिए कोई नई बात नहीं है, ये तो बॉलीवुड के प्रारंभ से हम देखते आ रहे हैं। लेकिन इससे बॉलीवुड के लिए एक हानिकारक विष में परिवर्तित करने का काम किया है करण जौहर ने। आज इन्हीं के कारण योग्यता और रचनात्मकता ने बॉलीवुड में बैकसीट ले ली है, चाहे वो कथा के रूप में हो या संगीत के क्षेत्र में। कट कॉपी पेस्ट की संस्कृति इसी व्यक्ति के कारण ही बॉलीवुड में इतने धड़ल्ले से ट्रेंडिंग बनी और इसे निर्लज्जता से इसी ने प्रमोट कराया है, क्योंकि एंड में तो मामला वही है ना, बाप बड़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। परंतु केवल करण जौहर अकेले नहीं थे, सफलता के मद में चूर हनी सिंह और बादशाह ने भी रैप के नाम पर संगीत के साथ कुकर्म करना प्रारंभ किया। इसके लक्षण देसी कलाकार में ही हमें दिखने लगे थे, परंतु मिठास में घोले विष को पहचानने की कला सब में थोड़ी ना होती है, अधिकतर भ्रमित हो जाते हैं। इसका असर 2016 के पश्चात भारतीय संगीत पर दिखना प्रारंभ हो गया था, जब वह संगीत ना होकर कचरा बनने लगा, परंतु तब तक बहुत देर होने लगी। अब स्थिति यह हो चुकी है कि आज संगीत संगीत नहीं है, कर्कश स्वर और चोरी किए गए म्यूजिक की अधपकी बिरयानी है, जो इतनी सड़ी हुई है कि इसे खाना तो दूर, कोई इसके आसपास भी नहीं फटकना चाहेगा। वैसे चुप से याद आया, अगर इसका सीक्वल बनाना है तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि संगीत की हत्या करने वाले बॉलीवुड में तो गली गली घूमते हैं और उनके विरुद्ध मोर्चा खोलने का समय आ चुका है। आर बालगी जी सुन रहे हैं ना?